सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन हब यूट्यूब चैनल। वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। वजीर आजम इमरान खान ने चीनी क़यादत और हकूमत को भी अपना गुरविदा बना लिया। चीनी सफीर की जानिब से कप्तान के लिए ऐसे तारीखी कलामात सामने आ गए कि आपको भी अपने वजीर आजम पर फख्र होगा। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वजीर आजम इमरान खान के विजन ने चीनी हकूमत को भी मुतासर किए बगैर ना छोड़ा। मौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का मौकफ सुनकर चीनी क़यादत और हकूमत इस बात की कायल हो चुकी है कि हम एक मजबूत शराकतदार हैं। चीनी सराफीर का बरमला इजहार, उन्होंने पाकिस्तान के इमरान खान को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के माहौल दोस्त और पायदार तरक्की के विजन ने जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को मुतासिर किया है, वहीं वजीर आजम के विजन से चीनी हकूमत भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। और इस बात का चीनी सफीर ने बरमला इजहार करते हुए कहा है कि माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का मौकफ सुनकर चीनी क़यादत और हुकूमत इस बात की कायल हो चुकी है कि हम एक मजबूत शराकतदार हैं। चीनी सफीर की मीडिया से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में चीनी सफीर का कहना था कि 2018 में पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आ चुकी है। हमें यह जानकर बहुत इत्मीनान और खुशी मिली कि वजीर आजम इमरान खान ने पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ्फुज की बात की है। चीनी सफीर की मीडिया से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का मौकफ सुनकर चीनी क़यादत हुकूमत इस बात की कायल हो चुकी है कि हम एक मजबूत शराकतदार हैं और वजीर आजम इमरान खान दुनिया के बड़े लीडर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।